हेलो गाइस, सो गुड इवनिंग। तो आज संडे की शाम है, तो मुझे लगा कि लाइक मैं एक खास टॉपिक पे आज बात करता हूँ। तो बहुत सवाल मुझे मिलते रहते हैं कि लाइक मल्टी बैगर स्टॉक कैसे मिलते हैं। अब मल्टी बैगर स्टॉक का क्या मतलब है? से फॉर एग्जांपल, एक दो साल में एक स्टॉक 4-5-6 गुना हो गया। मैंने ऐसे भी मल्टी बैगर स्टॉक्स देखे हैं अपने लाइफ में। लाइक आई हैव बीन लाइक फॉर्चुनेट टू ओन अ फ्यू लाइक ओवर द पास्ट 7-8 ईयर्स इन माई लाइफ। एंड बहुत ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक जो मेरे आसपास चले गए और मैंने मिस कर गया, और मतलब मैं उसमें पैसा नहीं बनाया। ऐसे भी मेरे मल्टी बैगर स्टॉक था जिसके बारे में लेट्स से मैं उस कंपनी को रिसर्च कर रहा था, लेकिन मैं उस कंपनी को कभी पकड़ ही नहीं पाया। मतलब क्या, जब इसका स्टॉक ऊपर जा रहा था, जब उसका रिजल्ट अच्छे आ रहा था, मैं हमेशा वेट करता रहा था कि लाइक चलो एक ढंग का लेवल पे आएगा फिर मैं उसको लूंगा, जबकि वो लेवल पे आया ही नहीं। सो मल्टी बैगर स्टॉक में अपने पिछले 7-8 साल के करियर में ऐसे बहुत देखा है। तो मुझे लगता है कि लाइक मैं छोटा सा ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं आपको सिखाऊं कि लाइक मल्टी बैगर स्टॉक्स को देखते कैसे हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट मल्टी बैगर स्टॉक का है, होनी चाहिए, वो है लो पी रेशियो होनी चाहिए स्टॉक का। ठीक है, आप बोलोगे पी रेशियो क्या है? पी रेशियो है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। एक रुपए का कंपनी का ईपीएस के लिए अब कितना प्राइस देने के लिए रेडी हो। नाउ से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक स्टॉक को पकड़ा और उसका पी रेशियो से 100 है, 80 है, 90 है, 100 है, राइट? इसका क्या मतलब? इसका मतलब वो जनरली प्राइस्ड इन होता है। और अगर एक हाई पी का कोई स्टॉक है, इसका मतलब मार्केट भी आपको बता रहे हैं कि कंपनी अपने रीसेंट पास्ट में बहुत अच्छा किया है और सब उसमें घुस चुका है। गॉट इट? तो अगर आपको 100 PE 80 PE का स्टॉक लेते हो ना, उसमें भी पैसा बनता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई नहीं बनाता है, लेकिन उसमें पैसा बनता है अर्निंग्स का ग्रोथ से। ठीक है, उसका पी एक्सपेंशन से नहीं बनता है। तो अभी हम समझते हैं कि लाइक दो पार्ट होते हैं इसका। ठीक है, एक स्टॉक का प्राइस बढ़ने का दो पार्ट होता है। पहला होता है पी एक्सपेंशन। ठीक है, तो अगर आप पी को देखोगे, उसको दो हिस्सों में बांटो, पी बाई ई और एक हो गया ई, करेक्ट? तो अगर लेट से आपका फॉर एग्जाम्पल पी बाई ई 100 है, तो आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर जाएगा सिर्फ अर्निंग्स के वजह से। गॉट इट? तो वो जनरली कंपाउंडर्स होते हैं। मतलब से फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आप टाइटन लेते हो, ठीक है, तो टाइटन का पी देखो 70-80 का है, लेकिन अगर टाइटन 15-20% से ग्रो करता रहा तो 5-6 साल में ये स्टॉक भी डबल हो सकता है, और क्या पता 5-6 साल में 3 गुना भी हो सकता है। लेकिन ये कंपाउंडर बनता है। एशियन पेंट्स एक और कंपाउंडर बन गया, HDFC बैंक एक और कंपाउंडर बन गया। बिकॉज अगर आप कोई भी फाइनेंशियल को से फॉर एग्जाम्पल प्राइस टू बुक ऑफ 3 या 4 में खरीदते हो, तो वो और कितना आगे जाएगा, राइट? से फॉर एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस का भी एग्जाम्पल ले लो, प्राइस टू बुक ऑफ 7-8 है। अब बजाज फाइनेंस का 30% का जो ग्रोथ है, वो उससे क्या होगा, वो कंपाउंडर बनेगा वो स्टॉक, लेकिन पी का एक्सपेंशन नहीं मिलेगा। मतलब क्या, ये जो मैंने सारे नाम लिए, ये कोई मल्टी बैगर्स नहीं बनेंगे, ये सब कंपाउंडिंग स्टॉक्स है जो लेट से 10-15-20% से CAGR से आपके पैसे को बनाएगा। अब लेट समझते के लिए फॉर एग्जाम्पल हमें क्या चाहिए। अगर हमें मल्टी बैगर चाहिए तो फिर हमें दो चीजें चाहिए, जैसे मैंने बोला पी का एक्सपेंशन चाहिए, और पी का एक्सपेंशन आता है जब कंपनी में वो ग्रोथ वापस आता है। तो उसका छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। मैं कोविड में, मेरा एक जो स्टॉक था मैं उसका बारे में बात करना चाहता हूं, वो है कि अशोक लेलैंड। तो कोविड में आपको पता था कि सब कुछ बंद हो गया था। ठीक है, एक्चुअली दो स्टॉक था मेरा कोविड में जिसमें मैंने बहुत ढंग का पैसा लगाया था, अशोक लेलैंड और बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का स्टॉक 70% गिरा था और अशोक लेलैंड का स्टॉक भी कुछ 50-70% गिरा था। ठीक है, अब मुझे अशोक लेलैंड उस टाइम पे एकदम बुक वैल्यू के रेंज में मिल रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स पूरा कंट्री बंद है, सब मार्केट से निकल गए थे, वो जो मैं मार्च ऑफ 2020 का बातें कर रहा हूं। तो उस टाइम पे अशोक लेलैंड मुझे बुक वैल्यू में मिल रहा था, और प्राइस टू इक्विटी कुछ था ही नहीं उसका, क्योंकि वैसे भी उस क्वार्टर में सभी कंपनी ऑटो कंपनीज लॉसेस डिक्लेयर कर रहा था। दूसरे साइड बजाज फाइनेंस देखोगे 8-9 के पीई से 70% गिरा, राइट? तो सॉरी, प्राइस टू बुक से। तो अगर 8 के प्राइस टू बुक से आप 70% नीचे गिराओगे, तो उसका 2.5-3 के आसपास प्राइस टू बुक बन गया था। अब पॉइंट वही है ना कि लाइक उस टाइम पे मुझे सिर्फ एक ही चीज देखना था कि मुझे ऐसे कंपनी लेना है जो कोविड के लॉकडाउन के बाद अपना ग्रोथ वापस आए। जब भी किसी का ग्रोथ वापस आता है ना, मतलब जब कंपनी ढंग से परफॉर्म करने फिर से लगता है, और जो ग्रोथ प्री कोविड लेवल में था अगर वही लेवल पे चला जाता है, तो उसका पीई और या फिर प्राइस टू बुक का एक्सपेंशन होता है, और इससे मल्टी बैगर बनता है। तो फिर क्या हुआ, अशोक लेलैंड का Q2 और Q3 रिजल्ट में क्या हुआ उनका, फिर उसके बाद Q1 में जो लॉसेस दिखाया था, फिर Q2 में उन्होंने वापसी किया, ठीक है, और Q3 में बहुत बढ़िया रिजल्ट किया। ये मैं बात कर रहा हूँ Q3 FY21 का, ठीक है, और वो स्टॉक एकदम आई थिंक 30-35 रुपए के आसपास था। मैंने मैंने क्या मैंने कुछ
50 और 30 के बीच में उस स्टॉक को बहुत लिया था और वो स्टॉक भाग के एकदम चला गया 120-140 में। तो कोई अगर स्टॉक 40 से 120 होता है तो ये जो तीन गुना हुआ इसका मतलब ये नहीं कि अर्निंग्स 3-4 गुना हो गया, इसका मतलब ये है कि मार्केट को स्टॉक में वो कॉन्फिडेंस वापस आ गया सिर्फ एक दो क्वार्टर का रिजल्ट देख के। गॉट इट? अब एक दो क्वार्टर में तो तुम अर्निंग्स को तीन गुना नहीं कर सकते हो। लाइक बजाज फाइनेंस में जब वापस आया वो कॉन्फिडेंस, फिर से वो स्टॉक 1600-1700 से एकदम आई थिंक वो एक बार तो 9000 भी टच कर गया, तो 4-5x हो गया। तो इसका क्या मतलब, मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं, ये दोनों जो मेरा एग्जांपल था, एक और एग्जांपल है जो मैंने नहीं खेला लेकिन मैंने देखा कि आसपास के लोग, मतलब ट्विटर में मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं कि 2-3 और लोगों ने बहुत अच्छे से खेला, वो है IIFL फाइनेंस। एक टाइम पे वो कंपनी प्राइस टू बुक लेस देन 1 में ट्रेड कर रहा था, फिर उन्होंने क्या किया, अपना ROE को बढ़ाता रहा हर क्वार्टर, राइट, अपना डिसबर्सल को ढंग से बढ़ाया और अपने एसेट क्वालिटी को इंप्रूव करता रहा और उसका प्राइस टू बुक आई थिंक 0.5-0.7 से अभी आप देखोगे 2 के ऊपर है। करेक्ट? सो 0.5-0.7 से 2 मतलब स्टॉक हैज बिकम ऑलमोस्ट 3x। गॉट इट? तो ये कैसे होता है, तो सोचिए अगर आपका अर्निंग्स का ग्रोथ नहीं आता है ना तो आपका पीई एक्सपेंशन भी नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी कंपनी जिसका लो पीए लेके बैठ जाओ, बिकॉज आज अगर उसको उसका अंडरलाइन बिजनेस का ग्रोथ वापस नहीं आता है ना तो फिर उसका पीई कभी एक्सपेंड नहीं करेगा। मतलब क्या, वो सस्ता पड़ा है बिकॉज ऑफ अ रीजन। ओके? तो ये बनता है कुछ एग्जाम्पल। मैं एक दूसरे एग्जाम्पल देता हूं कि जिसमें आज ग्रोथ नहीं और सारे स्टॉक सस्ते हो रहे आईटी सेक्टर में। आज अगर आईटी सेक्टर में देखोगे ना सारे स्टॉक्स 50-60% नीचे गिरे हुए हैं, मिड कैप बोलो, लार्ज कैप आईटी कंपनीज बोलो। अब पॉइंट यही है, लोग मुझे पूछते हैं कि आईटी ले लेना चाहिए बिकॉज सस्ता है, लेकिन आप यहां पे लेके आप ये समझो पैसा तभी बनेगा जब आईटी स्टॉक्स का भी थोड़ा बहुत पी एक्सपेंशन आएगा और पी एक्सपेंशन तब आएगा जब अंडरलाइन स्पेस में ग्रोथ आएगा। राइट? मैं धंधे का ग्रोथ का बात बोल रहा हूँ, ठीक है? जब तक ग्रोथ नहीं आएगा ना तब तक इसका पीई एकदम सप्रेस्ड होके ही रहेगा। आज अगर आप इंफोसिस का पीई देखोगे, टीसीएस का पीई देखोगे, इंफोसिस का पीई तो आई गेस 12-14-15 के आसपास आ गया है। क्यों? बिकॉज कंपनी ने ये बोला कि हम 4-7% 4-7% से हम ग्रो करने वाले हैं। तो जब तुम्हारा ग्रोथ रेट घटता है तो तुम्हारा पीई का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब हमारा खेल क्या है? खेल यही है कि हमें एक ऐसे स्टॉक में जल्दी घुसना है। क्योंकि पता है जल्दी क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जब कोई कंपनी में ना अपना ग्रोथ का ट्रैजेक्टरी वापस आता है ना तो सब घुस जाते हैं उसमें, ठीक है? तो उसका जो पी जो लो रहता है वो पी बढ़ने लगता है और एक बार पी का खेल हो गया ना उसके बाद उस स्टॉक में कुछ नहीं होने वाला। मतलब उसके बाद चलो कंपनी का रिजल्ट अच्छा रहेगा बट एवरीथिंग विल बी प्राइस्ड इन। सो सिंपल से एग्जांपल, आज मैं आपको दो ऐसे नाम बोल रहा हूं। एक कंपनी है जिसका नाम है उषा मार्टिन, ठीक है? तो उषा मार्टिन क्या करती है, वो स्टील का वायर बनाती है, ठीक है? तो आप देखोगे 2 साल पहले उनका एक स्टील का भी मतलब डिविजन था जो उसने वहां से निकाल दिया। अब आप बोलोगे उषा मार्टिन जो ग्लोबल, मतलब अगर आप देखोगे स्टील वायर्स में वन ऑफ द मार्केट लीडर्स इन द वर्ल्ड है और उसका पी रेशियो देखोगे 17-18 के आसपास है, राइट? अब पॉइंट ये है कि उषा मार्टिन बहुत पैसा बना सकता है लेकिन उषा मार्टिन के उस तरीके का ग्रोथ दिखाना चाहिए बिजनेस का, राइट? तो उसका जो Q4 का रिजल्ट आया आप देखोगे 10-12% का उनका YOY का जो ग्रोथ है। बट जो डिसअपॉइंटिंग मुझे ये लगा कि लाइक उषा मार्टिन का जो ग्रोथ है दैट इज ड्रिवन मोर बाय प्राइस इंक्रीज देन बाय वॉल्यूम्स। बट एक पॉइंट तो है, अगर आप देखोगे उषा मार्टिन का स्टॉक पिछले 1 साल में डबल हो चुका है। क्यों हो चुका है? बिकॉज अभी वो क्या कर रहे हैं ना, अपने बिजनेस में डाइवेस्टमेंट किया है। जैसे मैंने बोला कि वो स्टील वाला धंधे को निकाल दिया। जब आप कुछ अंडशंड चीजों को निकाल दोगे ना और अपने मेन चीज पे फोकस करोगे तब क्या होता है ना, आपका ROE में बूस्ट आता है। तो उषा मार्टिन का आप देखोगे 12-13% से ROE बढ़ के अभी कुछ 17-18% में हो गया है। तो ये जो ROE का एक्सपेंशन से PE का एक्सपेंशन होता है। सो ये कंपनी है जो हमको देखना चाहिए। एक और कंपनी है पिक्स ट्रांसमिशन, ठीक है? सो पिक्स ट्रांसमिशन भी सेम है, 16-17 के PE में है लेकिन ये स्टॉक में पैसा तब बनेगा जब लेट से अंडरलाइन का ग्रोथ ढंग का आता है, ठीक है? तब इसका 17 का पी लेट से 34 हो जाए, 55 हो जाए, ठीक है? तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग का प्लेज है। तो कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपको कोई मल्टी बैगर चाहिए तो आपको क्या करनी है, आपको एक लो पी का स्टॉक खरीदना है जिसमें ग्रोथ आ चुका है। तो मैं क्या करता हूं ना अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में, मैं ये सब सारे जो कंपनीज पढ़ता रहता हूं, जब मैं देखता हूं ना कि कोई लो पी कंपनी में ग्रोथ आ गया है ना, मैं उसमें छलांग लगा देता हूं पहले। उतना डेप्थ में रिसर्च करते करते क्या होता है ना, आपका पी का एक्सपेंशन हो जाता है, जो मैंने बहुत ऐसे स्टॉक्स मिस किए हैं। तो इसलिए मैं क्या करता हूं ना, पहले पैसे डालता हूं और फिर मैं देखता हूं स्टोरी कैसे जा रहा है। तो आगे जाके अगर स्टोरी नहीं चला तो मैं आराम से स्टॉक को बेच देता हूं।
गॉट इट। लेकिन अगर आपको मल्टीपैकर चाहिए ना, तो आप एकदम इनडेप्थ डिटेल में घुस के महीने महीने तक रिसर्च नहीं कर पाओगे। मल्टीपैकर आपको फिर नहीं मिलेगा, वो आपको कंपाउंडर मिलेगा। आप बैठ के टाइटन और HDFC पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। सो ये है बात। तो हमको PE का एक्सपेंशन चाहिए और हमको कंपनी में वो ग्रोथ वापस आनी चाहिए, तब जाके मल्टीपैकर बनता है। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल।